वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभा निर्विघ्न गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही टची टॉपिक उठा रही हूँ और इसका मैंने एक वर्कशॉप भी दिया था जिसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कर्म का सिद्धांत ना आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड और वेल यूज्ड है। आपको दिख जाएंगे ऐसे बहुत सारे पोस्ट कि हम आपके कर्म डिलीट करवा देंगे, ये कोर्स करिए, ये करिए, कर्मा रिलीज हो जाएगा, ये कर्म क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन क्या सच में हमारे कर्म क्लियर होते हैं? क्या हम सच में बुरे कर्म करके ही आए हैं, अच्छे कर्म करके ही आए हैं? जब भी आप किसी PLR का एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, आप आर्टिकल देखेंगे, पोस्ट देखेंगे, तो वो इस विषय में ज़रूर बोलेंगे कि आप इसको कर लीजिए, आपका कर्म साफ हो जाएगा और आप निकल जाएंगे। पर एक्चुअली एक छोटे से समय के लिए हमें रिलीफ होता है। देखिए, कर्म कुछ इस तरह से है, जैसे आज मैं आपसे 500 रुपये उधार लेती हूँ, लेकिन मैं आपको वो लौटाती नहीं हूँ, ठीक है? अब वो मेरे पे 500 रुपये तो हैं ही, अब मुझे वो कभी ना कभी तो वापस आपको करने ही पड़ेंगे। उसका कोई भी और ऐसा है ही नहीं रीज़न कि मुझे आपको वापस ना करने पड़े, लेकिन मैं वो पैसे लेकर ख़त्म हो जाती हूँ। अब क्या है, अगले जन्म में आप किसी ना किसी फॉर्म में आएंगे और वो मुझसे 500 रुपये ले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चीट कर देना। कई बार हमारा क्या होता है कि हम कुछ खरीदते हैं किसी से, या कोई हमें धोखा दे जाता है, हमारे पैसे ले जाता है, किसी ने हमारा पर्स मार दिया, फ़ोन चुरा लिया, तो ये सब ऐसे ही क्लियरिंग हो रही है। अब इसमें दूसरा पार्ट ये आता है कि ये भी तो है कि सामने वाला इस जन्म में हमसे चुरा के कर्म बना रहा हो, तो आप विश्वास रखिए वो भी लौट आएगा आपको किसी ना किसी फॉर्म में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जब मैं रेकी की दुनिया में नई नई आई थी, तो कोर्सेज सीखने का ना, जब कोई रेकी ज्वाइन करता है तो उसे बड़ा शौक लगता है कि मैं क्या ना सीख लूँ। तो उस वक्त मुझे एक टीचर मिली जिन्होंने एक कोर्स मुझे की जो उसकी राइट प्राइस थी उससे कहीं ज़्यादा में मुझे कराया। लेकिन फाइनली आउटकम क्या आया कि मेरी ग्रैंड मास्टरशिप जो है ना, जब मैं रेकी की ग्रैंड मास्टरशिप करने गई तो मुझे बहुत ही अच्छी टीचर मिली, और मतलब बहुत ही लीस्ट प्राइस में उन्होंने करा दिया। और वो भी उन्होंने, अब वो दुनिया में नहीं है, अब वो भी उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती करके लिए, बिकॉज शी वॉज इन 80s। तो ये भी एक होता है फ़र्क लोगों में। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने मेरा बैलेंस कर लिया, क्योंकि ग्रैंड मास्टरशिप भी सस्ती नहीं होती है रेकी में। अगर आप किसी अच्छे और रेगुलर फॉलो करने वाले के पास जाएंगे तो वो थोड़े सही प्राइस ही लेगा। तो ये मेरा अपना निजी अनुभव है, इसी तरह से चलती है। अब आ जाते हैं दूसरा लेवल। जब हम किसी को बुरा बोलते हैं, तो जब हम बुरा बोल रहे होते हैं ना, हम अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं, और उस टाइम हम वो तीखे से तीखा वेपन निकालते हैं अपनी ज़ुबान से कि सामने वाले को कैसे ज़ख्मी कर दें। लेकिन होता क्या है, वो जो ज़ख्म है ना, वो ज़ख्म आत्मा तक जाते हैं और वो जन्म जन्मांतर तक पीछे चलते हैं। इसको लेकर एक कहानी मैं आपको बताती हूँ कि एक महात्मा के पास एक लेडी जाती, महिला थी उम्रदराज, और वो ये कहती थी, मेरा जो पति है मुझसे बहुत झगड़ा करता है, मुझे बहुत मारता है। तो वो महात्मा कहते, तुझे दोनों वक्त खाना तो दे रहा है ना? कि हाँ, वो तो दे रहा है। अच्छा, चल ठीक है। ऐसे वो बार बार जाती और वो बार बार एक ही सवाल करते, तुझे दोनों वक्त खाना तो ठीक से दे रहा है ना? ऐसा होते होते वो स्त्री भी वृद्धावस्था में चली गई। उस समय उस स्त्री ने कहा, हे महात्मन,
मेरी ये आयु हो गई, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं आपकी क्या कृपा समझूं इसमें, मेरे साथ ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि तू अभी तक नहीं समझी कि क्या, कि पूर्व जन्म में ये जो आज तेरा पति है, तू इसकी सौतेली माता थी, और उस समय तू इस अबोध बालक को बहुत बुरी तरह मारा करती थी, और मार के पीट के इसे खाना भी कभी कभी देती थी, कि जब तुझे लगता था ना दूसरे तीसरे दिन कि अब दे देना चाहिए, तब देती थी इसे, तू भूखा भी रखती थी, और ये उसी में ही मर गया। ये अब तेरा पति बन के आया है और तुझसे वसूल कर रहा है, और जो तू तेरा पूर्व जन्म का पति था, वो इसका पिता था, वो तेरा पिता बना है। तो जैसे तेरे भरोसे छोड़ के वो उस टाइम बेफिक्र था, अब वो तुझे ब्याह के इसके साथ अब वो बेफिक्र है। तो ये कर्म तू अपना चुका रही है, और इसे शांति से चुका दे, और तू इससे कभी पलट के मत आना। उस स्त्री को शांति प्राप्त हुई, उसने अपना व्यवहार बदला, फिर वो उसे करुणा की दृष्टि से देखने लगी, और कुछ दिनों बाद दोनों ही भगवत भक्ति में लीन होकर परमात्मा को प्राप्त हुए। तो कर्म की सीधी सी थ्योरी ये है कि आपको तब तक कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे पहुंचा कर नहीं आए हो। इसीलिए तो कहते हैं अपने मन को शांत रखो, कोई कितना भी बुरा बोले आप उसे पलट कर वैसे उत्तर ना दो। भगवान बुद्ध ने करुणा करुणा क्यों कहा? भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का आधार करुणा क्यों कहा? और जब हम रेकी सीखते हैं तो रेकी में वो क्या कहते हैं? कंपैशन फॉलो करो, लविंग काइंडनेस फॉलो करो, काइंड रहो सबके लिए, इवन जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसके लिए भी काइंड रहो, दया करो सब पर, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इन बड़े बड़े बंधनों से छूट जाते हैं। उसके अलावा हम कार्मिक रेकी भी प्रयोग करते हैं। कार्मिक रेकी से होता ये है कि जो बहुत ही मैलिफिक इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो एक तो हमारी सहने की शक्ति बढ़ जाती है, और दूसरा ये है कि जैसे कि अगर किसी की बद्दुआ से हमें हमारे सर पे बम ब्लास्ट होना होता है, तो वो एक छोटे पत्थर के रूप में ही निबड़ जाता है। अगर अभी रिसेंटली ही मैं आपको इशू बताती हूँ, क्योंकि हमारी एक स्ट्रे डॉग थी और उसे एक सीरियस डिसीज़ हुआ था, इलाज वगैरह करा रहे थे लेकिन वो नहीं हो रही थी, और जब दवाई से थोड़ा सा आराम हुआ तो उसका शरीर गलना शुरू हो गया था। तो उस समय ये बहुत हम लोग के इसको क्या कष्ट है, क्यों ऐसा कर रही है, और जब एक का इलाज कर रहे हैं तो शरीर गलना शुरू हो गया, और उसका भी कुछ मतलब ओरिजिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अच्छे साफ सुथरे रख रहे थे सब कुछ होते हुए, ना दवाई का साइड इफेक्ट था ना डिसीज़ का पार्ट था, फिर ये क्यों हुआ? तो ऐसी स्थितियों में ही कहते हैं कि कर्म आ गया, कभी शायद कभी उसका रहा हो, हमें तो पता नहीं। फिर हमने सबने उसके लिए प्रार्थना की, और उसके बाद वो मुक्त हुई। तो ये सब चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं, और अपने को कंपैशनेट ही रखना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके साथ कोई बुरा सलूक कर रहा है ना, तो जितना हो सके उसे क्षमा करते चलो। कार्मिक रेकी आप करते हैं, आर्कएंजल जेडकिन से कनेक्ट होते हैं, तो वह वो फॉरगिवनेस भी आती है और वो कंपैशन भी आता है। और साथ ही साथ ये है कि जो बहुत ही बुरा होने वाला होता है ना, वो हल्के फुल्के में सॉल्व होकर निकल जाता है। देखिए, अगर आप किसी का बुरा करके आए हैं तो उसका भुगतना तो पड़ता ही है, कहते हैं ना क्राइम नेवर पेज, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ी सी हम अपने जीवन में बदलाव लाएं तो ये चीज़ें बदल जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वॉइस ओवर में मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। शायद इसे वॉइस ओवर में गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग करेक्ट कराएंगे, उससे पहले मैं खुद बोल देती हूँ। ऑडिबल ब्लॉग में फिर मिलते हैं, थैंक यू।